अपने जिला शहडोल के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के लिए उसमें अवैध तस्करी में लगाम लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने हेतु तो जिस हेतु आज हमने अपने थाना क्षेत्र में टीम गठित कर ली थी। हमारे ASI कामता प्यासी को सूचना मिली थी कि कल्याणपुर में रहने वाली सुमन कुशवाहा अपने घर से अवैध स्मेक का कारोबार करती है, जो छोटी छोटी पुड़िया बना के लोगों आने जाने वालों को चोरी छिपे बेचती है। उनके द्वारा सूचना पर महिला पुलिस की आवश्यकता होने से महिला थाने से पुलिस बल को बुलाया गया और अतिरिक्त बल भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अभिमन्यु आए थे तो और अपने थाने की टीम गठित की गई, जिसमें हमारी टीम में हमारे ASI विश्वनाथ तिवारी रहे, ASI रजनीश तिवारी रहे, दिनेश केवट, महेंद्र कुशराम ये सब थे। इनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते मौके पर पहुंचे। उन्होंने सुमन कुशवाहा को और वहाँ पे एक मौके पे खरीदार राहुल सोंदिया दोनों मिल गए थे और मौके पे रंगे हाथों पकड़ा। राहुल सोंदिया उस समय सुमन कुशवाहा से स्नेक की पुड़िया ले रहा था, उसके पास से भी हमको दो पुड़िया बरामद हुई है और वहाँ तलाशी लेते हुए सुमन कुशवाहा के पास से चार पुड़िया बरामद हुई है। इस प्रकार हमको मौके पर कुल छः पुड़िया स्नेक बरामद हुई है, जिनका वजन 400 मिलीग्राम है, तो जिनके बाज़ार की कीमत करीबन 10,000 रुपये की होगी। हमने दोनों पे NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों को पुलिस अभिरक्षा में लिया और पूछताछ की जा रही है कि और ये कहाँ से स्मेक लेके आए थे, इनके पास कहाँ से है और कौन कौन खरीदार उनके हो सकते हैं, और थाना वापसी पर ला के इनका अपराध पंजीबद्ध किया और इसमें संबंधित विवेचना की जा रही है।